नमस्कार नमस्कार साथियों, अपना जो है कि यूनिट नंबर सेकंड उसका जो पार्ट डी है वो चल रहा था। आज अपना उसका कौन सा क्लास है? दूसरा क्लास है। कल की क्लास में अपुन ने जो है कि अपने पास में फ्रिक्शन से संबंधित जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन था उस पोर्शन को क्या क्या डिस्कस किया। आज की क्लास में उसी जो थ्योरेटिकल पोर्शन अपुन ने पढ़ा था उसी पर बेस्ट अपने पास में कुछ न्यूमेरिकल्स है, उन न्यूमेरिकल्स को लेकर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। यदि आपने कल का क्लास नहीं देखा है तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर कल वाला क्लास देख सकते हैं। कल वाला क्लास देखने के बाद ही जो आपका आज का क्लास है वो आपको क्या होगा समझ में आएगा, क्योंकि कल की क्लास में अपन ने जो कि इसका कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है वो पढ़ा है। आज की क्लास में अपन जो है कि इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है वो अपने पास में दिया गया है कि एक क्षैतिज सतह पर रखे 10 kg द्रव्यमान के एक बॉक्स पर एक बल लगाया गया है। यदि स्थैतिक घर्षण स्टैटिक फ्रिक्शन अपने पास में 0.2 और गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन अपने पास में है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल का मान क्या होगा। जो अपने पास में मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका वैल्यू अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये अपने पास में जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में क्या है, आई हुई प्रॉब्लम। सही है, ये अपने पास में आरपीएससी 2022 में आई हुई प्रॉब्लम, आरपीएससी 2022, आरपीएससी 2022 का ये अपने पास में आया हुआ प्रॉब्लम है। फ्रिक्शन से अपने पास में ये प्रॉब्लम पूछा गया था। सही है, तो इसको बड़े ही सिंपल तरीके से अपन छोड़ कर सकते हैं। इसमें अपने को पूछा है स्थैतिक घर्षण बल का मान। सही है, घर्षण सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें अपने को पूछा है स्थैतिक घर्षण बल, यानी कि अपने को पूछा है एफ एस, एफ स्टैटिक अपने को पूछा है, स्थैतिक घर्षण बल का मान पूछा। एफ एस अपने पास में कितना होता है, एफ एस अपने पास में होता है न्यू एस इंटू आर। सही है, ये अपने पास में 36 पर रखी हुई है कोई वस्तु, ये कोई 36 है, यहाँ पर एक बॉक्स या वस्तु रखी हुई है जो अपने पास में है 10 kg, ऊपर की तरफ काम करेगा विलंब प्रतिक्रिया बल आर, नीचे की तरफ काम करेगा एम जी। सही है, और इस पर जो है कि घर्षण गुणांक दे रखा है अपने को, न्यू एस का मान 0.2। तो यहां से अपने पास में क्या होगा, आर बराबर किसके होगा, ये वाला इसको बैलेंस करेगा, आर बराबर होगा एम जी। यहां एक उठा के आर का वैल्यू रख, तो देखना अपने पास में एफ एस इक्वल टू न्यू एस आर के जी का तो एम जी। ये अपने पास में फॉर्मूला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के इस प्रॉब्लम को अपन सॉल्व कर सकते हैं। सही है, तो देखना अपने पास में एफ एस बराबर कितना होगा, न्यू एस अपने पास में स्थैतिक घर्षण गुणांक दे रखा है 0.2, 0.2 एम है इसका द्रव्यमान, ये अपने पास में है 10 गुणा गुरुत्वीय त्वरण, जी का मान दे रखा है 9.8, ये अपने पास में है 9.8। तो यहां से एफ एस बराबर ये 2 गुणा ये 10 गुणा ये 98 बटे, यहां से बनटेगा नीचे आएगा 0, यहां से बनटेगा नीचे आएगा 0। सही है, तो ये अपने पास में देखो 1 0 से 1 0 बटेगा, 98 को 2 से गुणा करेंगे ये अपने पास में आएगा 196 बटा अपने पास में 10, इसमें 10 का वर्ग लेंगे तो अपने पास में बनेगा 19.6 न्यूटन। ये अपने पास में क्या स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थैतिक घर्षण बल का मान 19.6, ये कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपने इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इसमें अपने को स्थैतिक घर्षण बल का मान पूछा है, तो एफ एस बराबर अपने पास में होता है न्यू एस इंटू आर, आर का मान अपने पास में यहाँ एम जी होगा, तो एम जी वैल्यू रख के इसको सोल्व कर सकते हैं। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, दूसरे ऑप्शन में आ रहा है, तो दूसरा ऑप्शन अपने इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें दिया गया है कि एक वाहन सड़क पर वी नोट वेग से चल रहा है, यदि वाहन और टायर, वाहन के टायर और सड़क के मध्य स्थैतिक घर्षण गुणांक है तो वह न्यूनतम दूरी जिससे वाहन को रोका जा सके। सही है, देखना सोल्यूशन क्या होगा, यह अपने पास में कोई क्षैतिज सड़क है, इस पर कोई वाहन चल रहा है, इस वाहन की जो प्रारंभिक चाल है वो अपने को दे रखी है वी नोट, एस डिस्टेंस दूरी तय करने के बाद यह वाहन यहां पर गया, तो ये क्या आ गया यहाँ वी, ये प्रारंभिक वेग इसका यू मान लेते हैं, प्रारंभिक वेग इसने दे रखा है वी नोट, अंतिम वेग इसका मान लेते हैं यू, वो अपने पास में दे रखा है 0। सही है, वी नोट अच्छी चल गई, अंतिम आके इसका 0 हो गया, रुक गई, तो अपने को इसमें जो है कि वाहन को रोका जा सके वो न्यूनतम दूरी एस का मान क्या, तो एस का मान हमारे पास में कितना होता है
कल की क्लास में डिस्कस किया था, सॉल्यूशन कहते हैं। S बराबर अपने पास में कितना होता है? S बराबर अपने पास में होता है जो प्रारंभिक दूरी का स्क्वायर, वी नॉट का स्क्वायर अपॉन, ये अपने पास में होता है 2a। और a बराबर अपने पास में घर्षण की स्थिति में a बराबर कितना होता है? घर्षण की स्थिति में अपने पास में a बराबर होता है न्यू h, ये अपने पास में होता है। a की जगह न्यू g होता है, त्वरण का मान घर्षण गुणांक इनटू गुरुत्व त्वरण की, ये हम भाग देते हैं का मान। तो s बराबर कितना होगा? v नॉट का स्क्वायर अपॉन 2, a का मान अपने पास में होगा न्यू और g, ये अपने पास में होगी चलेगी दूरी। ये कौन से ऑप्शन में है? v नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 न्यू g, ये अपने पास में है दूसरे ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन अपने इसके लिए क्या होगा? करेक्ट होगा, सही है। ये अपने को रोकने की बात कर रहा है तो ये अपने पास में यहां से हो जाएगा न्यू s, जो हो जाएगा न्यू s। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ये अपने पास में आ रहा है दूसरे ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन अपने इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही। डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको कल की क्लास में डायरेक्ट करवा रखा है। तो प्रारंभिक वेग यहाँ यू नोट दे रखा है, तो वी नोट इसका स्क्वायर कर दिया अपॉन में 2 न्यू जी। तो ये इस प्रकार अपने पास में दोनों प्रॉब्लम है, इसको अपन क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें अपने को दिया गया है कि एक 60 न्यूटन का कैरेट खुरदरी क्षैतिज सतह पर स्थिर है, इस पर 21 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया जाता है। यदि घर्षण गुणांक का मान अपने को दे रखा है न्यू एस बराबर 0.4 और न्यू के अपने पास में है 0.5 आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें अपने को दिया गया है कि एक 60 न्यूटन का करेट खुरदरी क्षैतिज पर स्थिर है, इस पर 21 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया जाता है। यदि घर्षण गुणांक न्यू एस अपने को दे रखा है 0.5 और गतिक घर्षण गुणांक अपने को दे रखा है 0.4, तो करेट पर घर्षण बल का परिमाण कितना होगा? सही है, करेट पर लगने वाला जो घर्षण बल है उसका परिमाण अपने को याद करना है, सही। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि अपने पास में एक खुरदरा क्षैतिज सतह है, इस पर कोई एक 60 न्यूटन का कोई कैरेट रखा हुआ है, सही है। इस पर 21 न्यूटन क्षैतिज बल लगाया जाता है, इस पर इधर बल लग रहा है 21 न्यूटन इस पर बल लगाया जा रहा है। घर्षण गुणांक का मान दे रखा है अपने को, एक तो दे रखा है न्यू एस, यह अपने पास में 0.5, एक दे रखा अपने को न्यू के, ये अपने पास में 0.4, तो करेट पर घर्षण बल का परिमाण अपने को याद करना है, सही है। तो इस तरह के क्वेश्चनों में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इसमें निकालेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमा घर्षण बल का मान एफ एल, ये अपने पास में कितना होता है? ये अपने पास में होता है न्यू एस इंटू आर। सीमांत घर्षण बल का मान कितना होता है? एफ एल बराबर न्यू एस इंटू आर। तो यहां से अपने पास में एफ एल का मान कितना है? एफ एल बराबर न्यू एस का मान अपने पास में 0.5, इस पर ऊपर की तरफ काम करेगा अपने पास में आर, नीचे की तरफ अपने पास में काम करेगा एम जी, सही है। या अपने पास में न्यू आर इंटू एम इंटू इसका जी इंटू अपने पास में एम बोले तो इसका देव मान या एम जी, एम जी अपने पास में नीचे की तरफ या अपने पास में कितना है 60 न्यूटन, या अपने पास में 60 न्यूटन, सही है। तो इसको सोल्व करते हैं, यहां से अपने पास में 0 से 0 घटेगा 6 × 30, ये होगा अपने पास में 30 न्यूटन, सही है। एफ एल का मान कितना होगा? ये अपने पास में होगा 30 न्यूटन के, एफ एल बराबर होता है न्यू एस इंटू आर, तो ये अपने पास में 0.5, आर अपने पास में कितना है 60 न्यूटन जो नीचे की तरफ लग रहा है, तो अपने पास में हो गया एफ एल बराबर 30 न्यूटन। अब इस पर लगाएगी बल का मान अपने पास में 21 न्यूटन, अपने को सीमांत बल अधिकतम वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए आवश्यक न्यूनतम बल अपने पास में सीमांत घर्षण बल कहलाता है, तो सीमांत घर्षण बल का मान अपने पास में है 21 न्यूटन। जब इस पर 21 न्यूटन का बल आरोपित करेंगे तब यह वस्तु आगे की तरफ गति करेगी। अगर अपन इस पे 21 न्यूटन का बल आरोपित कर रहे हैं तो यह वस्तु की क्या होगी? स्थिर अवस्था में रहेगी, क्योंकि वस्तु को गति करने के लिए न्यूनतम आवश्यक बल की आवश्यकता है 30 न्यूटन, अपन इस पर बल लगा रहे हैं 21 न्यूटन का, तो वस्तु क्या रहेगी? वस्तु बिल्कुल रेस्ट में रहेगी। तो अगर वस्तु रेस्ट में रहती है
तो अपने पास में लगाया क्या बल किसके बराबर होता है? आरोपित बल के बराबर होता है। वस्तु अपने पास में स्थिर रही वह लगने वाला घर्षण बल आरोपित बल के बराबर होगा। लगने वाला घर्षण बल आरोपित बल के बराबर होगा। इस केस में अपने पास में जो लगने वाला घर्षण बल है वो क्या होगा? आरोपित बल के बराबर होगा। यानी कि अपने पास में F जो होगा वो बराबर होगा P के। सही है। तो अपने पास में घर्षण बल का मान कितना होगा? 21 होगा, क्योंकि इस पर बल का मान F अपने पास में P या F अपने पास में कितना है? 21 न्यूटन। तो लगने वाले बल का मान अपने पास में आरोपित बल के मान के बराबर होगा, क्योंकि यह वस्तु है वो अपने पास में स्थिर अवस्था में रहेगी, इस पर स्थिति घर्षण बल काम करेगा, तो वो अपने पास में कितना होगा? 21 न्यूटन होगा। यह अपने पास में क्यों रहेगा? 21 न्यूटन रहेगा। सही है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। एफ एफ एल का वैल्यू अपने पास में आरोपित बल से ज्यादा है। सही। तो यानी कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए अपने को 30 न्यूटन से अधिक बल लगाना पड़ेगा, लेकिन अपन इस पर बल लग रहा है 21 न्यूटन। इस कारण वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इस पर स्थिति घर्षण बल काम करेगा। स्थिति घर्षण बल काम करेगा तो स्थिति घर्षण बल में अपने पढ़ा है कि आरोपित बल पी और एफ दोनों बराबर होते हैं, तो जो आरोपित बल का मान स्थिति घर्षण का मान आरोपित बल के बराबर होगा। तो अपने पास में जो घर्षण बल है उसका मान अपने पास में स्थिति घर्षण बल के बराबर होगा, तो आरोपित बल बराबर होगा स्थिति घर्षण बल, वो अपने पास में होगा दूसरे ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए हो जाएगा। सही। एसी की एसी सेम प्रॉब्लम अपने पास में है, और ये दोनों प्रॉब्लम अपने पास में प्रीवियस ईयर में आई थी प्रॉब्लम। इसमें भी अपने को दे रखा है क्वेश्चन कि ये कोई क्षैतिज ब्लॉक है, छत्ता है, इस पर कोई ब्लॉक रखा है। इस ब्लॉक पर जो बल लगाया जा रहा है वो इस तरफ लगाया जा रहा है 12 न्यूटन का, 12 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। तो पहले तो ये चेक करेंगे कि ये वस्तु मोशन में है या रेस्ट में। सही है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको निकालेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल का मान क्या होता है? स्थिति घर्षण बल का वह मान जब तक वस्तु गति ना करे, वो अपने पास होगा लिमिटिंग फोर्स। लिमिटिंग फोर्स अपने पास में होता है यूनिवर्स इनटू आर, या अपने पास में विलंब प्रतिक्रिया बल एन। तो यहां से अपने पास में एफ एन बराबर न्यू एस, न्यू एस का मान पीछे भी गिवन है 0.5 इनटू आर, आर अपने पास में इस पर भार दे रखा है 40 न्यूटन, ये अपने पास में है 40 न्यूटन, तो आर अपने पास में है 40। यहां से अपने पास में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास में 20 न्यूटन एफ है। अब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए अपने को 20 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर बल लग रहा है 12 न्यूटन का, तो यानी कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। वस्तु क्या होगी? स्थिर अवस्था में रहेगी, इस पर स्थिति घर्षण बल काम करेगा। सही। और जो स्थिति घर्षण बल होता है, स्थिति घर्षण बल वो अपने पास में क्या होता है? उसमें अपने पास में P बराबर होता है F, यानी कि जो आरोपित बल है वो अपने पास में घर्षण बल के बराबर होगा। सही है। तो अपने पास में स्थिति घर्षण बल बराबर अपने पास में घर्षण बल। स्थिति घर्षण बल क्या होगा अपने पास में? घर्षण बल के बराबर ही होगा। अपने को घर्षण बल पूछा है तो P बराबर F होगा, इस पर कितना बल लगाया है? 12 न्यूटन। तो अपने पास में घर्षण बल का मान कितना होगा? 12 न्यूटन होगा। सही है। तो अपने पास में P बराबर F होगा, 12 न्यूटन कौन से ऑप्शन में आया? ये अपने पास में आ रहा दूसरे ऑप्शन। सही है। तो यहां से चेक करेंगे, पहले लिमिटिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। लिमिटिंग फ्रैक्शन का मान ज्यादा आ रहा है, तो ये लिमिटिंग फ्रैक्शन का मान ज्यादा आने का मतलब है कि ये जो उठता है वो रेस्ट में, क्योंकि इसको गति करने के लिए यहाँ पर न्यूनतम 20 न्यूटन का बल लगाने की आवश्यकता है, यहाँ पर तो 12 न्यूटन का बल लग रहा है। तो ये क्या है? बोलो, रेस्ट अवस्था में स्थिर है, तो इसको स्थैतिक घर्षण बल काम करेगा। स्थैतिक घर्षण बल में अपने पास में पी बराबर एफ होता है, यानी कि बल का मान घर्षण बल के मान के बराबर होता है। पी बराबर अपने पास में एफ, तो ये अपने पास में पी है, ये अपने पास में एफ है। तो यहाँ पर पी बराबर एफ होगा, तो पी का मान 12 है, तो एफ का मान कितना होगा? 12 होगा। इधर अपने पास में P बराबर F होगा, पीछे काम करेगा घर्षण बल,
ये पी बराबर अपने पास में है 21, तो यहाँ से अपने पास में एफ बराबर कैल्शियम बल भी कितना होगा 21 होगा। अगर अपने पास में स्थिति कैल्शियम बल का मान 21 है तो कैल्शियम बल अपने पास में ये भी अपने पास में कितना होगा 21 होगा, ये भी अपने पास में कितना होगा 21 होगा। तो सेकंड ऑप्शन देखो, इधर भी अपने पास में सेकंड वाला ऑप्शन देखो, सही है। इस प्रकार अपने पास में जो दोनों प्रॉब्लम है इसको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें अपने को दिया गया है कि 60 न्यूटन भार का कोई गुटका है, ये अपने पास में 60 न्यूटन भार का कोई गुटका पी, ये गुटका पी है, ये अपने पास में है 60 न्यूटन का, ये अपने पास में है 60 न्यूटन का, 60 न्यूटन का कोई गुटका पी किसी पृष्ठ पर रखा है, इस पृष्ठ पर अपने पास में रखा गया है, तथा गुटका किसी डोरी द्वारा जो कि एक किसी गिरनी घर्षणहीन और द्रव्यमानहीन गिरनी से आरेख में दर्शाए अनुसार गुजर रहा है, 30 न्यूटन भार के गुटके की तुलसी जुड़ा हुआ है। ये जो क्यों है, ये अपने पास में है 30 न्यूटन का, ये अपने पास में 60 न्यूटन का, अपने पास में 30 न्यूटन का क्वेश्चन दे रखा है। यदि पृष्ठ व गुटके के बीच स्थितिक घर्षण गुणांक न्यू का मान दे रखा है, न्यू अपने को दे रखा है 0.20, ये अपने पास में पृष्ठ गुटका है इसके बीच स्थितिक घर्षण गुणांक का मान है 0.20, जो गुटके पी पर रखे जाने वाले तो गुटके पी पर रखे जाने वाले गुटके एस का कम से कम भार जो गुटके पी को सरकने से बचाए, इस गुटके पी के ऊपर रखा जाने वाला गुटका एस है, इस एस का भार अपने को ज्ञात करना है कि ये जो एस भार रखने पर ये गुटका नीचे ना सके, यानी ये गुटका जो है वो अपने पास में सीमांत घर्षण की स्थिति में हो, सही है, यानी कि ये अपने पास में गति ना करे, सही है। तो ये अपने पास में सीमांत घर्षण की स्थिति में अपने पास में डेविएशन करवाया था इसका, सीमांत घर्षण की स्थिति में क्या होता है, सीमांत घर्षण की स्थिति में, सीमांत घर्षण की स्थिति में, सीमांत घर्षण की स्थिति में अपने पास में क्या होगा, जो अपने पास में इसके लिए न्यू का मान होगा, डेविएशन में कहते हैं अपने पास में जो न्यू होगा वो अपने पास में बराबर होगा इस एम टू का द्रव्यमान, आयन का द्रव्यमान नीचे वाले प्रयोग का द्रव्यमान अपॉन ऊपर वाले प्रयोग का द्रव्यमान आयन बन कर देगा, ये अपने पास में होगा न्यू के लिए फॉर्मूला, न्यू बराबर होता है एम टू बटा एम वन। तो यहाँ से देखना अपने पास में न्यू का मान अपने पास में गिवन ये है 0.20 बराबर एम टू, एम टू का मान अपने पास में ये अपने पास में है 30 प्लस एम वन, एम वन का मान इन दोनों को मिलाकर बैलेंस करेंगे, एम वन का मान अपने पास में होगा 60 प्लस अपने पास में एस, अपने को एस का मान याद करना है, जो एस रोक है उसका एस का कम से कम भार अपने को याद करना, तो ये अपने पास में एस, सही है। एम टू अपने पास में इसका भार ये 30, एम वन में अपने पास में इन दोनों का भार होगा, तो ये 60 प्लस इस एस वाले का भार, अपने को एस वाले का भार याद करना, तो देखना कितना होगा, यहां से ये अपने पास में मिलेगा 20 बटा 100 बराबर, ये अपने पास में मिलेगा 30 बटा 60 प्लस एस, ये कटेगा इससे 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये अपने पास में मिलेगा 60 प्लस एस बराबर 5 × 3 = 15, ये अपने पास में 150, तो यहाँ से एस का मान कितना आएगा, एस बराबर 60 इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, ये 150 न्यूटन माइनस का अपने पास में 60 न्यूटन, तो एस बराबर कितना हो जाएगा 90 न्यूटन, एफ का जो मान होगा वो अपने पास में होगा 90 न्यूटन, एस का मान कितना होगा 90 न्यूटन का होगा, यानी कि इस 60 न्यूटन वाले पी ब्लॉक है इसके ऊपर अगर हम 90 न्यूटन का एक ब्लॉक और रख दे तो ये जो ब्लॉक एस है वो इसको नीचे सरकने से रोक लेगा, सही है, इसको क्या कर देगा सीमांत घर्षण की स्थिति में ले आएगा, सही है, यानी कि जहां तक गति प्रारंभ नहीं करे तो यहाँ पर यहां तक जो कि अपन 90 न्यूटन का लाके अगर कोई वस्तु रख देते हैं एस तो ये इसकी गति को रोक लेगा, ये इसी अवस्था में बना देगा, तो एस का मान कितना हुआ ये अपने पास में करना, सही है, ये फॉर्मूला आया था अपने पास में न्यू बराबर एम टू बटा एम वन, तो एम टू का मान क्या 30, एम वन का मान कितना है 60 प्लस एस, 60 प्लस एस, और न्यू का मान लिया यहाँ से एस का मान निकाल सकते हैं, सही है। तो अगर आज की क्लास आप पहली बार देख रहे हो तो जो पिछली जो क्लास कल की हुई है उसमें उसका पूरा थ्योरी पोर्शन करवा रखा है, उस क्लास को देखने के बाद अगर आप इन क्वेश्चनों को करोगे तो ये क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएंगे, सही है। बाकी ये अपने पास में आता कैसे है न्यू बराबर एम टू बटा एम वन, ये कल की क्लास में करवा रखा है, ये डायरेक्ट याद होगा तो एग्जाम में डायरेक्ट इसका हेल्प करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6 कि एक वस्तु
किसी खुरदरे नत समतल जिसकी ऊंचाई h है, पर थीटा कोण दुखा कोण थीटा है, यदि प्रक्षेपण वेग v है तो वस्तु को उच्चतम बिंदु तक पहुंचाने पहुंचाए, तब घर्षण गुणांक का मान क्या होगा। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। एक अपने पास में कोई खुरदरा नत तल है, खुरदरा नत समतल है, यह नत समतल अपने पास में, ये खुरदरा है। इस खुरदरे नत समतल पर इसकी ऊंचाई अपने पास में दे रही है h, ये झुकाव कोण अपने पास में है थीटा। यदि प्रक्षेपण वेग u है, यहां से इसको भेज रहे हैं u वेग के ऊपर, इसका प्रक्षेपण वेग u है, जो वस्तु को उच्चतम बिंदु तक पहुंचाए, इस प्रक्षेपण वेग से वस्तु को यहां पहुंचाना है, यहां पहुंचाई तो अपने पास में घर्षण गुणांक का मान क्या होगा। सही, तो अपने पास में यहां से यहां तक उसको पहुंचाना है, ये वस्तु अपने पास में, इसको यहां पहुंचाना है, तो देखना अपने पास में अपने को घर्षण गुणांक का मान क्या है। तो अपने पास में घर्षण बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य, इसमें यहां से यहां तक ऊपर पहुंचेंगे तो घर्षण बल के विरुद्ध करना कार्य करना पड़ेगा, तो घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य अपने पास में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। सही है, एनर्जी के अंदर से लगेगा, इसमें गतिज ऊर्जा अपने पास में कितनी होती है, यह अपने पास में होती है 1/2 mv² बराबर घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य, घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य। बलो को यहां से यहां तक पहुंचाना है तो अपने पास में जो है कि इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 1/2 mv² वो बराबर होगा घर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य के। सही है, ऐसे अपने पास में ये 1/2 mv² बराबर, किसी भी बलो को घर्षण के विरुद्ध उच्चतम बिंदु तक पहुंचाने में किया गया कार्य ऊपर की तरफ पहुंचाने, तो कार्य अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा w बराबर होगा f डॉट s, तो 1/2 mv² बराबर, f बराबर अपने पास में होता है ma डॉट s, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 1/2 mv² बराबर m, घर्षण के विरुद्ध किसी वस्तु को ऊपर की तरफ पहुंचाते हैं बलो को, तो अपने पास में त्वरण का मान कितना होगा, त्वरण अपने पास में होगा g sin थीटा माइनस का न्यू प्लस का न्यू cos थीटा, ऊपर की तरफ पहुंचा रहे तो चिन्ह प्लस का आएगा। सही है, डॉट में अपने पास में s, इसका विस्थापन। सही है, विस्थापन कहां से कहां तक, यहां यहां पे था, यहां से यहां तक पहुंचा रहे, तो ये हो गया अपने पास में विस्थापन। तो यहाँ से अपने को न्यू का मान ज्ञात करना है, न्यू अपने पास में क्या है घर्षण गुणांक, न्यू का मान ज्ञात करना है, तो देखना क्या होगा अपने पास में, इधर भी अपने पास में एम है, इधर भी अपने पास में होगा एम से एम घटेगा, इधर बचेगा अपने पास में न्यू स्क्वायर अपॉन 2 जी इसके बटा में जाएगा, ये अपने पास में जी। सही है, बराबर अपने पास में साइन थीटा प्लस न्यू कोस थीटा, और एस बराबर अपने पास में यहां से कह सकते हैं, एस बराबर ये एस बराबर अपने पास में कितना होगा, यहां से अपने पास में बात करें साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा कर से एल के एल अपॉन के यानी कि लंब बटा करण, साइन थीटा का मान होता है लंब बटा करण, लंब तो यहां कितना है अपने पास में एच, करण कितना है एस, तो साइन थीटा लंब तो अपने पास में है यहां एच और करण अपने पास में है एस, तो यहां से एस का मान कितना आएगा, एस का मान अपने पास में आएगा एच अपॉन साइन थीटा, एस के लिए कर देते हैं एच अपॉन साइन थीटा, एस का मान अपने पास में आ गया एच अपॉन साइन थीटा। सही, न्यू का मान याद करना, इस एच को इसके बटा में लिख देते हैं, ये अपने पास में बन जाएगा न्यू स्क्वायर अपॉन 2gh बराबर, देखना अपने पास में इस पूरे में से साइन थीटा को बाहर लेते हैं, इसमें से साइन थीटा को बाहर लेते हैं तो अपने पास में, या फिर इसके से करते हैं एच अपने पास में नीचे आ गया साइन थीटा से बटा में साइन थीटा को से डिवाइड करते हैं तो इधर बचेगा 1 + ये साइन थीटा हम इसको से डिवाइड करते हैं तो साइन बटा कोस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। सही, एक बार इसके बटा में साइन रखा साइन साइन कटेगा, एक बार इसके बटा में साइन रखा ये अपने पास में कोस बटा साइन अपने पास में कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो गया कोट थीटा, कोस बटा साइन ये अपने पास में हो गया कोट कोट थीटा। सही, साइन से साइन कट गया, इधर अपने पास में होगा कोट थीटा, ऑप्शन में अपने को टेन थीटा कोट थीटा ही दे रहे हैं, अब देखना अपने पास में यहां से कितना हो जाएगा, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, अपने को चाहिए यहां से न्यू का मान, ये 1 इस तरफ जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा v² / 2gh माइनस का 1 बराबर अपने पास में न्यू कोट थीटा। सही है,
तो न्यू बराबर अपने पास में कितना हो जाएगा यहाँ से, कोट थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा को अपन लिख सकते हैं वन अपॉन टेन, जो हो जाएगा न्यू स्क्वायर अपॉन टू जी एच माइनस का वन बराबर, ये न्यू कोट थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा इसका जाएगा, देखना कितना बन जाएगा न्यू का मान, न्यू बराबर ये अपने पास में हो जाएगा न्यू स्क्वायर, ये यहाँ अपने पास में है इस तैतीस प्रश्न उड़ान के न्यू बराबर अपने पास में कितना होगा न्यू स्क्वायर अपॉन टू जी एच माइनस का वन इसके मल्टीपल में टेन, ऐसा कौन सा ऑप्शन में आया न्यू स्क्वायर अपॉन टू जी एच माइनस का वन इंटू टेन थीटा, ये अपने पास में है पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपने इसके लिए सही है, ऐसे इसको सोल्व कर लेंगे, जो घर्षण के विरुद्ध इसमें आते यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है, तो घर्षण के विरुद्ध अपने पास में जो किया गया कार्य होगा वो अपने पास में इसकी गति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, तो एक बटा दो एम वी स्क्वायर बराबर कर देंगे एफ डॉट एस, एफ बराबर एम ए और ये एस, ए का मान अपने पास में क्या होता है जब वस्तु को घर्षण के विरुद्ध परिवर्तन ले जाते हैं, तो एक का वैल्यू होता है, यहाँ से इसको सिंपली सोल्व करके एस का मान यहाँ से निकालेंगे और अपने पास में ऑप्शन हो जाएगा न्यू बराबर यू स्क्वायर अपॉन टू जी एच माइनस का वन इंटू में टेन थीटा, ये पहले ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए सही है, इस प्रकार अपने पास में दोनों प्रॉब्लम है, इसको अपन क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं, तो आप इसको क्या करो अपनी कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर सात, इसमें अपने को दिया गया है कि एक कैपिटल एम जिसका भार है 20 केजी, ये कैपिटल एम है इसका भार है 20 केजी का एक लोक क्षितिज मेज पर रखा हुआ है, बलोक व मेज के लिए न्यू के यानी गति घर्षण गुणांक का मान ये दे रखा है अपने पास में 0.05 है, एक बलोक को एक घिरनी से बांधकर, एक बलोक है इसको घिरनी से बांधकर, ये बलोक है इसको घिरनी से बांधकर मेज के एक सिरे पर लगी घर्षणहीन हल्की घिरनी रस्सी से बांधकर घर्षणहीन हल्की घिरनी से होकर एक एम स्मॉल एम बराबर 5 केजी का द्रव्यमान इससे रखा है जैसा चित्र में दिखाया गया है, अपने अगर अपन इस स्मॉल एम को छोड़ देते हैं तो अपने पास में जो ब्लॉक कैपिटल एम है उस पर लगने वाले त्वरण का मान ज्ञात करना है, सही ब्लॉक ए का जो त्वरण होगा उस त्वरण इको ज्ञात करना है, तो यहां से अपने पास में देखना है क्या होगा सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में इसके लिए दो इक्वेशन बनेगी, पहली इक्वेशन अपने पास में तनाव विधेय से काम करेगा, तो इस वाले ब्लॉक के लिए अपने पास में तनाव टी का मान, तनाव टी बराबर अपने पास में कितना होगा, टी अपने पास में काम करेगा तनाव टी हो गया, यहां भी तनाव टी होगा, इधर इसमें फ्रिक्शन काम करेगा पीछे की तरफ घर्षण काम करेगा, तो टी माइनस का फ्रिक्शन अपने पास में मान लेते हैं ये अपने पास में एफ के इक्वल टू या की तरफ गति करेगा एम ए से, तो ये बराबर किसके होगा एम ए, इसको मान लेते हैं अपन एम वन, पहले वाले ग्रोथ के लिए एम वन मान लेते हैं बाद में इसका वैल्यू अपन रख लेंगे, तो पहले वाले को मान लिया अपन एम वन ए, तो टी माइनस एफ के इक्वल टू एम वन ए, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से टी बराबर एफ अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होता है न्यू आर, आर बराबर कितना होगा एम जी, तो ये अपने पास में होगा एम वन जी बराबर अपने पास में होगा एम ए, तो यहाँ से टी बराबर कितना होगा, टी बराबर अपने पास में होगा एम ए प्लस का न्यू एम वन जी, ये समीकरण हो गया पहले वाले ब्लॉक एम वन ब्लॉक के लिए, इसको एम वन ब्लॉक मान लिया एम वन ब्लॉक के लिए हो गया, इसको एम टू ब्लॉक मान लेते हैं, तो एम टू ब्लॉक के लिए क्वेश्चन क्या होगा अपने पास में, एम टू ब्लॉक के लिए तनाव के ऊपर की तरफ एम जी इसके नीचे की तरफ, ये माइनस का अपने पास में एम इसको टू मान लेते हैं एम टू जी बराबर त्वरण एक्सीलरेशन नीचे की तरफ, तो ये अपने पास में माइनस का एम टू ये हो गया समीकरण, इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं, तो यहाँ से टी बराबर ये इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा एम टू जी माइनस का एम टू सही है, ये टी इस तरफ है इस तरफ आते प्लस का हो गया, ये अपनी जगह रखा होगा सही, ये हो गया समीकरण नंबर दो, समीकरण एक भी टी के बराबर समीकरण दो भी टी के बराबर दोनों ऑप्शन बराबर होंगे, तो देखना अपने पास में क्या होगा समीकरण एक और दूसरी एक व दूसरी एक और दूसरी अपने पास में किधर होगा, इधर अपने पास में होगा एम ए प्लस का न्यू एम वन जी बराबर, इधर अपने पास में होगा एम टू जी माइनस का एम वन सही है, एक को एक तरफ कर लेते हैं बाकी को एक तरफ कर लेते हैं,
ये अपने पास में जो होगा एम वन, ये एम वन, ये अपने पास में एम वन ए, ये अपने पास में एम टू ए, सही है। ये एम वन ए इस तरफ अतिप्रस्त हो गया, तो ये अपने पास में है एम वन ए, एम वन ए न्यू एम वन जी, ये एम टू वही अपने पास में, ये एम टू, ये तो समीकरण ये बनेगा समीकरण, पहले यह वाला समीकरण इसके बराबर भी वाला समीकरण। अब यहां से एक हमारे याद कर सकते हैं, इस एक को उस तरफ भेजते हैं, तो इसमें से ये बाहर आएगा, ये एम वन अपने पास में प्लस का, एम टू उस तरफ देगा, ये भी अपने पास में देगा प्लस का, बराबर इधर अपने पास में ये इस तरफ आएगा, तो इसमें से अपने पास में जी बाहर आएगा, इधर अपने पास में एम टू, ये इस तरफ आते माइनस को लेगा, माइनस का न्यू ये एम वन, ये बनेगा अपने पास। सही है, अब यहां से एक हमारे याद कर लेते हैं, ए बराबर कितना होगा, ये होगा जी एम टू माइनस का न्यू एम वन अपॉन में एम वन प्लस, ये होगा ए का मान। सही है, ये कब है, जब इसका फ्रिक्शन घर्षण काम कर रहा है, अगर घर्षण बल काम ना करे तो न्यू का मान जीरो, अगर इसमें न्यू का मान जीरो रख देते हैं तो ये पूरा टर्म जीरो देगा, क्या बचेगा अपने पास में एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इन टू जी, ये अपने पास में पिछले वाले चैप्टर में आया घृण के लिए। सही है, ये अपने पास में को ब्रो कैसे रखा हुआ था 34 पर, तो उसके लिए त्वरण का मान अपने पास में कितना रहता वहां पे एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इन टू जी, क्योंकि कृष्ण काम नहीं कर रहा, यहाँ पर भी अगर न्यू का मान जीरो देंगे तो अपने पास में वो पहले वाला निकल गया। सही, अगर कृष्ण काम कर रहा है तो डायरेक्ट भी इसका इसमें अपने पास में क्या हो जाएगा, उस वाले फॉर्मूले में अपने पास में माइनस का न्यू एम वन ओरिएट हो जाएगा, तो माइनस का न्यू एम वन अगर डायरेक्ट याद है एग्जाम में इसका डायरेक्ट यूज करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बस अब इस मोटाई की वैल्यू रखनी, देखना अपने पास में वैल्यू दे दस मोटाई की, ए का मान कितना होगा, तो ए बराबर जी का मान फिक्स है, जी का मान है अपने पास में 10 गुणा एम, एम का मान कितना दे रखा है एम टू, एम टू नीचे वाला, एम टू नीचे वाला माना किसको माना एम टू, ये अपने पास में है 5 माइनस का न्यू, न्यू का मान भी कुछ नहीं दे रखा है, ये अपने पास में है 0.05 0.05 सही है, इंटू एम वन, एम वन का मान कितना है, यह है 20, एम वन का मान कितना है यहाँ, यह है 20, सही है, ये हो गया अपने पास बटा एम वन प्लस एम टू, एम वन का मान 20 है, एम टू का मान 15, तो ये 20 प्लस ये अपने पास में 5 25, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखना 10, यहाँ से ये अपने पास में कितना हो जाएगा, इसको 20 से गुणा करेंगे नीचे आएगा अपने पास में 2 0 100 से 100 कटेगा, ये तो अपने पास में पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, देखना यहाँ से 20 को गुणा करते हैं 0.05 से, तो ये अपने पास में बचेगा 1, सही है, यहाँ से गुणा कटेगा नीचे आएंगे 2 0 20 पंचे 100 से 100 कट जाएगा, तो ये बचेगा 1, तो 5 माइनस 1 कितना होगा 4 4/25, तो ये कितना हो गया अपने पास में 40 10 चौक 40/25 40/25 का मतलब कितना हो गया, ये बराबर 25 1 25 1.15 बचेगा, 15 0 25 6 150, तो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये अपने पास होगा त्वरण का मान, त्वरण के बराबर अपने पास होगा 1.6 × 10^6 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में दूसरे वाले ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन अपने इसके लिए करेंगे, सही है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होगा तो ये कैलकुलेशन बन जाएगा एग्जाम, डायरेक्ट ए का मान याद नहीं उठा, पिछले वाले चैप्टर में इसी प्रॉब्लम में जब घर्षण बल काम नहीं कर रहा था, कोई चिकनी स्मूथ सरफेस थी, तो वहां पर अपने पास में ए का मान था एम टू बटा एम वन प्लस एम टू इंटू जी, अब यहाँ पर घर्षण बल भी काम कर रहा है, तो इसमें यह वाली टर्म एक्स्ट्रा आ गई माइनस का न्यू एम वन, इसके सोल्व करके ए का मान निकाल देंगे, सही है। अगला एग्जाम्पल अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8, एक वस्तु 45 डिग्री पर झुके हुए नस समतल पर फिसल रही है, घर्षण गुणांक का मान 0.5 दे रखा है, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण का मान भी दे रखा है, जी का मान, तो वस्तु नीचे की ओर फिसल रही है, तो त्वरण का मान याद करना है, तो ऐसी प्रॉब्लम करवाइए, अगर कोई वस्तु नत्तर पर नीचे की तरफ सरक रही है तो उसके लिए त्वरण के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होना चाहिए, फॉर्मूला ए बराबर क्या होता है, जब नीचे सरक रही है तो चिन्ह नेगेटिव का आएगा, जब वस्तु ऊपर जाएगी तो चिन्ह बीच में पॉजिटिव का आएगा, तो ए बराबर कितना होगा, ये अपने पास में अगर जी साइन थीटा माइनस का न्यू कोस थीटा, ये होता है अपने पास में त्वरण के लिए फॉर्मूला, अगर यहाँ पर घर्षण जीरो हो तो न्यू का मान जीरो, तो ये अपने पास में हो जाएगा ए बराबर जी साइन थीटा, यहाँ पर घर्षण भी काम कर रहा है तो ए बराबर जी साइन थीटा माइनस न्यू कोस थीटा, सब के लिए अपने पास में गिवन है, उठा के लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो
देना अपने पास में ए बराबर लिखता होगा, जी का मान फिक्स है या इसने 9.8 दे रखा है तो 9.8 करके कर लेते हैं 9.8 साइन थीटा, भी इसने दे रखा है थीटा का मान 45 साइन 45 माइनस नू का मान भी दे रखा है 0.5 गुणा कोस 45 कोस 45 ठीक है। तो यहाँ से देखना ए बराबर ये हो गया 9.8 साइन 45 का मान कितना होता है ये अपने पास में होता है 1/√2 माइनस ये अपने पास में 0.5 कोस 45 का मान भी 1/√2 ये बढ़ेगा इसमें से 1/√2 आ जाएगा तो अपने पास में ए बराबर कितना बचेगा 9.8 गुणा 1/√2 इसमें से बाहर आ गया इधर बचेगा अपने पास में 1 माइनस 0.5 के लिख सकते हैं 5/10 का मतलब 1/2 एक में से 1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा अपने पास सही है। तो यहाँ से देखना ए बराबर कितना होगा ये अपने पास में होगा 9.8/√2 गुणा एक में से आधा जाएगा तो ये अपने पास में आधा बचेगा ये बचेगा 1/2 सही है। इसको 2 से काट देते हैं 2 से कितनी बार कटेगा ये कटेगा अपने पास में 4.9 बार बट्टा √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये अपने पास में वातावरण का मान 4.9 × 10^√2 कौन से ऑप्शन में ये पहले ऑप्शन में तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए चाहिए 4.9 × 4.9/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार अपन त्वरण का मान दोनों क्वेश्चनों में क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं सही है। ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद होंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूले में बिंदु रख के फटाफट सॉल्व कर देंगे। अगर यहाँ से ये फॉर्मूला डायरेक्ट सॉल्व याद होगा तो ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी एग्जाम ये फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे ए बराबर अपने पास में होगा 1.6 मीटर पर सेकेंड सही। इन दोनों क्वेश्चनों को क्या होगा उनको ही मैं नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9 इसमें अपने को दिया गया है निम्न में से कौन सा सवतत समायोजन बल है। सवतत समायोजन बल अपने पास में कौन सा होता है स्थिति कक्ष में अपने पास में सवतत समायोजन बल होता है इसमें अपने पास में ऑप्शन नंबर 1 से मिलेगा क्यों क्योंकि अपने पास में जो स्थिति घर्षण होता है उसमें अपने पास में होता है लगाया गया बल पी बराबर होता है एफ पी बराबर एफ के बराबर होता है सही है। एडजस्टेबल बल भी इसको कहते हैं तो ये अपने पास में सवतत समायोजन बल कौन सा है स्थिति कक्ष बल। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 10 एक समतल सड़क पे अनुदिश 500 kg का एक घोड़ा 1500 kg के घोड़ा लगे को 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से खींचता है यदि घर्षण गुणांक का मान 0.2 है तो सतह द्वारा घोड़े पर लगाया गया बल बढ़ेगा। तो इसके लिए अपने पास में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है त्वरण ए बराबर यह अपने पास में होता है एच माइनस घर्षण बल एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम सही। इसमें अपने पास में एफ तो क्या है एफ तो है घर्षण बल घर्षण बल कैपिटल एम अपने पास में है घोड़े का द्रव्यमान घोड़े का द्रव्यमान स्मॉल एम अपने पास में है घोड़ा गाड़ी का द्रव्यमान घोड़ा गाड़ी का द्रव्यमान स्मॉल एम। इसके अलावा अपने पास में जो एच है एच अपने पास में है प्रतिक्रिया के इंद्रिय सही प्रतिक्रिया के निर्देशित है इसमें पूछा गया है कि सतह द्वारा घोड़े पर लगाया गया यानी प्रतिक्रिया पर एच का मान इसमें पूछा गया तो एच अपने पास में कितना होगा यहां से एच याद कर सकते हैं ये स्थिति मल्टीप्लाई होगा ए बराबर ए कैपिटल एम माइनस प्लस का सिंबल बराबर अपने पास में एच माइनस का एच अपने को याद करना है एफ उस तरफ देगा प्लस का हो जाएगा ये हो जाएगा ए कैपिटल एम स्मॉल एम और ये प्लस का अपने पास में है ये बराबर होगा एच सारे के सारे अपने पास में गिवन त्वरण दे रखा है एक का मान ए इसमें है अपने पास में एक एम एम अपने पास में है घोड़े का द्रव्यमान वो है अपने पास में 500 स्मॉल एम घोड़ा गाड़ी का द्रव्यमान ये अपने पास में है 1500 प्लस बल एफ एफ बराबर अपने पास में कितना होता है एफ बराबर अपने पास में होता है न्यू और के न्यू आर न्यू के आर ये बराबर अपने पास में एच तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2000 प्लस न्यू अपने पास में गति कर्षण गुणांक क्वेश्चन में गिवन दिया 0.2 ये अपने पास में 0.2 आर बराबर किसको होता है एम जी के एम यानी किसका द्रव्यमान इसका द्रव्यमान टोटल द्रव्यमान कितना हो गया घोड़ा गाड़ी घोड़ा का घोड़े का और घोड़े गाड़ी दोनों का द्रव्यमान ये अपने पास में 2000 गुणा जी का मान अपने पास में 10 बराबर ही अपने पास में एच
सही है, न्यू का मान दे देती है, आर का होता है एम की, एम का मान अपने पास में दोनों का योग होगा, ये दो चार जी अपने पास में फिक्स है 10, इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से अपने पास में यहाँ से पॉइंट है, नीचे आएगा 10, इस जीरो से ये जीरो बढ़ेगा, तो इधर अपने पास में कितना बचेगा, ये तो अपने पास में दो हजार प्लस ये दो से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा अपने पास में 4000 बराबर अपने पास में एच, यहाँ से एच बराबर कितना आएगा, ये आ गया अपने पास में 6000 मीटर, 6000 मीटर कौन से में, ये चौथे ऑप्शन, चौथा ऑप्शन अपना स्केल करेगा, सही है, इसमें एच का मान पूछा सारे की सारी यूनिट गिवन है, उठा के रख देते हैं तो अपने पास में 100 हो जाएगा, सही है, और ये एफ बराबर यहाँ से अपने पास में कितना होता है, एफ बराबर अपने पास में होता है न्यू के आर, इसको ले सकते हैं एफ बराबर न्यू के आर को ले सकते हैं एम और जी, ये यानी है एफ बराबर न्यू के आर, आर को ले सकते हैं एम जी, तो न्यू के का मान 0.2, आर को एम जी, तो एम का मान है 2000, जी का मान है 10, सोल्व कर लेते हैं एच का मान आ जाएगा 6000 न्यूटन, इस प्रकार के जो दोनों क्वेश्चन है इसको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, तो आप दोनों को क्या करो अपनी कॉपी में नोट करो, आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11, इसमें अपने को दिया गया है असत्य कथन को छाटिए, जो इसमें से गलत स्टेटमेंट है उसको चेक करना है, तो पहला दे रखा है घर्षण बल दो संपर्क पृष्ठों के बीच अपेक्षित गति का विरोध करता है, बिल्कुल सही बात है, दूसरा है घर्षण बल संपर्क बल का संपर्क पृष्ठों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के अनुदिश घटक होता है, यह भी बात अपने पास में सही है, तीसरा अपने पास में है स्थैतिक घर्षण समुपस्थित अपेक्षित गति का विरोध करता है और यह सदैव पृष्ठों के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, घर्षण बल का मान पृष्ठों के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, यह बात अपने पास में गलत है, चौथा स्टेटमेंट है गतिक घर्षण वास्तविक अपेक्षित गति का विरोध करता है और यह पृष्ठों के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, घर्षण बल पृष्ठों के संपर्क क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है, यह अपने पास में बात सही है और यह बोल रहा है कि डिपेंड करता है, तो यह बात अपने पास में क्या है, गलत है, इसमें से जो ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना गलत होगा, सही है, गलत कथन पूछा है, गलत कथन है ऑप्शन 3। अगला एग्जाम्पल 12वां एग्जाम्पल इसमें दे रखा है कि एक बेलन एक नत्तल पर लुढ़कते हुए चढ़ता है, ऊंचाई एस तक पहुंचता है और फिर नीचे लुढ़कता है, संपर्क गति बिना फिसलन की होती है, तो बेलन पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, सही है, तो देखना एक बार क्या केस बोल रहा है, अपने पास में कोई नत्तल है, ये अपने पास में कोई नत्तल है, ये एंगल थीटा है, यहाँ पर अपने पास में कोई बेलन है, वो अपने पास में नत्तल पर लुढ़कते हुए चढ़ता है, ये ऊपर की तरफ चढ़ता है, पहले केस में तो ऊपर चढ़ रहा है, एच ऊंचाई तक पहुँचता है यहाँ से चढ़कर, यहाँ ये इसकी हाइट एच है, ये यहाँ तक पहुँचता है, सही है, और फिर नीचे लुढ़कना, नीचे लुढ़कता है, पहले ऊपर जा रहे हैं, दूसरे केस में फिर ये नीचे आ रहे हैं, नीचे लुढ़कता है, यह संपर्क गति बिना फिसलन की होती है, यानी कि रोलिंग करता हुआ आ रहा है, फिसल नहीं रहा इस पर, बेलन पर लगने वाले बल की दिशा होगी, सही है, तो पहले दे रखा है कि चढ़ते उतरते टाइम बेलन की दिशा ज्ञात करनी है, तो पहले वाला केस जब ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, पहले वाले केस में देखना, जब ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो इस पर नीचे की तरफ काम करेगा अपने पास में घटक एम जी साइन थीटा, ये ऊपर की तरफ काम करेगा तो इसको नीचे की तरफ खींचेगा एम जी साइन थीटा, सही है, और ये गति करेगा ऊपर की तरफ ऐसे, ओमेगा वी बराबर वेग बराबर क्या होगा इसका, वेग वी बराबर अपने पास में होता है ओमेगा आर, वी बराबर ओमेगा आर, इस वाले केस में जब ये ऊपर चढ़ रहा है तो एम जी इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, एम जी वेग के मान में कमी कर रहा है, एम जी क्या कर रहा है, एम जी साइन थीटा, पहले केस में, इस वाले केस में एम जी साइन थीटा, वेग वी में कमी करता है, वेग वी में कमी करता है, एम जी साइन थीटा इसको नीचे खींच रहा है, वेग भी ऊपर है, तो ये एम जी साइन थीटा इसके वेग में कमी कर रहा है, नीचे की तरफ है तो वेग में कमी कर रहा है, अगर वेग में कमी होगी वी बराबर है ओमेगा आर, अगर वेग में कमी होगी तो ओमेगा आर में भी कमी होगी, कमी करता है तो ओमेगा आर भी कम होगा, ओमेगा आर भी कम होगा, ओमेगा आर भी कम होगा, अगर ओमेगा आर अपने पास में कम होगा तो इसका मतलब यह है कि इस पर जो घर्षण बल होगा वो ओमेगा के विरुद्ध लगेगा, ओमेगा आर में कमी कब होगी, जब घर्षण इसके विरुद्ध लगेगा, जब घर्षण ओमेगा के विरुद्ध लगेगा,
तो ओमेगा के आयन में कमी होगी और घर्षण ओमेगा के विरुद्ध विरुद्ध लगेगा, ओमेगा की गति के विरुद्ध लगेगा, घर्षण जो है वो ओमेगा की गति के विरुद्ध लगेगा। तो अपने पास में फोर्स कितने लगेगा, फोर्स अपने पास में ऊपर की तरफ लगेगा, फोर्स कितने लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा, तो बल ऊपर की तरफ होगा, तो बल ऊपर की ओर होगा। पहला केस। दूसरे वाले केस में सारी व्यवस्था एक ही है, आपके बार ये जो बेलन है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो पहले नीचे काम कर रहा था एमजी साइन थीटा, ये वेग भी से नीचे आ रहा है, तो एमजी साइन थीटा क्या करेगा आपकी बार, एमजी साइन थीटा नीचे की तरफ, वेग भी नीचे की तरफ, एमजी साइन थीटा वेग के मान को बढ़ा देगा, अगर वेग का मान बढ़ जाएगा तो ओमेगा आर की गति होगी, तो ओमेगा आर भी बढ़ जाएगा, अगर वेग बढ़ेगा तो ओमेगा आर भी बढ़ेगा। अब ओमेगा आर बढ़ेगा तो अपने पास में ओमेगा आर को बढ़ाने के लिए क्या होगा, ओमेगा आर को तब बढ़ेगा जब घर्षण इसके विरुद्ध लगेगा, ओमेगा आर का मान कब बढ़ेगा, जब अपने पास में एमजी साइन थीटा नीचे की तरफ, एमजी साइन थीटा वी के मान को बढ़ा देगा, वी का मान बढ़ेगा तो अपने पास में ओमेगा आर का मान भी बढ़ेगा। सही है, ओमेगा आर का मान अपने पास में बढ़ेगा तो जो बल की दिशा होगी वो अपने पास में होगी इसके विपरीत इधर। सही है, दोनों ही केस में अपने पास में बल की दिशा क्या होगी, उसके विपरीत होगी। इस वाले केस में तो अपने पास में एम जी सेंटर नीचे की तरफ, ये ऊपर जा रहा है तो एम जी सेंटर वेग के मान में कमी कर रहा है, अगर वेग कमी में कमी होगी तो ओमेगा आर में कमी होगी, ओमेगा आर में कमी होगी तो घर्षण के विरुद्ध जो ओमेगा होगा वो घर्षण के विरुद्ध होगा, घर्षण के विरुद्ध होगा तो वेग इधर होगा। सही है, वेग ऊपर की तरफ होगा। इस वाले केस में ये नीचे की तरफ गति कर रहा है, एम जी सेंटर नीचे की तरफ, वेग भी नीचे की तरफ, एम जी सेंटर इस वाले केस में वेग के मान को बढ़ाएगा, वेग बढ़ेगा तो ओमेगा मान का, ओमेगा का मान भी बढ़ेगा, और ओमेगा का मान बढ़ेगा तो अपने पास में घर्षण के, घर्षण कम होगा इस दिशा में तो अपने पास में बल लगेगा ऊपर की तरफ, यानी दोनों ही दिशाओं में अपने पास में बल का मान क्या होगा, लुढ़कते समय और चढ़ते समय दोनों स्थितियों में बल की दिशा ऊपर की ओर होगी। बल की दिशा ऊपर की ओर कौन से ऑप्शन में, यह पहले ऑप्शन में, चढ़ते और उतरते दोनों स्थितियों के ढाल के अनुदिश ऊपर की ओर होगी। बल्कि दिशा इस वाले केस में भी ऊपर की तरफ, बल्कि दिशा इस वाले केस में भी ऊपर की तरफ। सही है, तो ऑप्शन नंबर एक है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार अपने पास में दोनों प्रॉब्लम हैं, इनको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं।